तो क्या हाल है भी भाई, सुनने और देखने वाली पब्लिक। तो भाई श्लोका भाई का माया ट्रैक का म्यूजिक वीडियो भाई ने आउट कर दिया है, तो सुनते हैं ट्रैक। वैसे ट्रैक पहले सुना हुआ है बट मुझे भाई याद नहीं है, सही बताऊं तो बिल्कुल भी याद नहीं है। तो ये मेरे लिए गाना बिल्कुल नया होने वाला है और म्यूजिक वीडियो हम देखने वाले हैं भाई कैसी होने वाली है। वैसे हमने ईयरफोन लगाया नहीं था अभी तक, तो हम पहले ईयरफोन लगा लेते हैं और देखो थोड़ा बहुत साउंड वगैरह आएगा इधर से, क्योंकि हम रहते हैं घर गृहस्थी वाली जगह पे, हमारी नहीं है भाई, लोगों की घर गृहस्थी किराए पे है ना, तो घर यार ऐसा ही होता, थोड़ी सी दिक्कत आती है समझो। वैसे अब हम सुनते हैं इसका वॉल्यूम वगैरह, सुनते हैं करते हैं पहले वॉल्यूम। हाँ भाई थंबनेल काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये है हमारे श्लोका भाई, जिसको जिनको भाई मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ सुनने के मामले में। भाई का कचरा ट्रैक आया था और भाई साहब भाई के जितने भी ट्रैक हैं वो काफी ज्यादा अच्छे लगते मुझे। एजी एजी ओ जी, यार ये कहाँ से आ गए, मूंछ का मुंडन करवा ही लो। मुई मूंछ, चलो अब इस लोकेशन लोकेशन भाई देख रहे हो, लोकेशन क्या मस्त लोकेशन है माया श्लोका। क्या यार क्या ढोल पीटे जो बजे स्टार्टिंग में, तबले की आवाज देखो क्या आई है। पाठशाला से आज आधे घंटे पहले छूटे कार ना, पाठशाला से आज हम पहले आधे घंटे पहले छूटे। हाँ सुना तो है बट याद नहीं है, ये मैंने सुना तो है पहले, मतलब भाई ना यार देखो एक यहाँ देखो बच्चों को लेके भाई ने शूटिंग करी है। सो वैसे भाई ने ना ये स्कूल में ही भाई शूटिंग करी है। पाठशाला से आज आधे घंटे पहले छूटे कारनामा होगा, जम के घुटने टूटे या फूटे, आज खाना है लीची खेतों से तोड़ेंगे भुट्टे, आज खाना है लीची या तोड़ेंगे खेत पेड़ों से भुट्टे, मतलब खेतों से भुट्टे ऐसे ही है ना, फूटे या फूटे, आज खाना है लीची खेतों से तोड़ेंगे भुट्टे, आज जाना घर नहीं जल्दी माँ गुस्सा हो या रूठे, इन्हीं सोच में होके मगन चलता रहा अपने रास्ते पे, उड़ चला था मैं नील गगन भले पीठ पे भारी बसते थे, पर क्या ये चीखे किनकी पैर अचानक थम गए, गैर सी थी वो राहें खैर चलते हुए हट गए, पहुंचा देखा देख करके मुझे लग गया एक आघात सा, लाश पड़ी थी उस व्यक्ति की कस्बे में जो खास था, शोर है घोर सा दौड़ती सांसें भी खत्म थी, दौर था जोर का आज कफन में जो दफन थी, रुदन मचा है वातावरण में और फिजाएं हैं गमगीन, औरत छाती पीट रही मैं देखूं सब होके तल्लीन, उड़ गई है वो रूह की पंछी देह कैद में थी जकड़ी, ये अंतरगर चार कांधों का चल पड़ी उसकी अर्थी, मोह माया से परे पीछे छूटे सब भौतिक वस्तुएं, मैं भी चल पड़ा जानने को क्या होती मृत्यु है। भाई अपने आप को यहाँ बच्चे में अपने आप को भाई ने दिखाया, मैं भी जानने चल दिया, भाई साहब क्या होती मृत्यु में, हाँ क्या होती मृत्यु है, क्या होती मृत्यु है, कहाँ भागे रे मन चला जाए किधर। ये वाइब भाई बहुत ज्यादा मिसिंग थी श्लोका भाई, यार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बहुत ज़्यादा दिल से, सही बताऊँ तो आप ना यार लाते रहा करो सॉन्ग, एक तो लेके आओ महीने में, देखो एक ना हमारा एक दिन बन जाता है, एक हमारा ना मन बन जाता है, एक हमारा अलग ही जोन, हम जो अपने अलग ही जोन में पहुँच जाते हैं आपका जब गाना सुनते हैं, तो सही मज़ा बहुत आता है आपके गाने में। और एक आपके ना वर्ड भाई, क्या वर्ड लिखते हो आप यार, मतलब प्योर हिंदी, और सही में सल्यूट है आपको।
अनजान कहते हैं जिसको शमशान। गुमनाम वो शख्सियत कैसा है ये अंजाम, साथी न बने राही न मिले कैसा वो सफर था। माटी पर आधे है माटी हुआ सब माटी मिली सुंदरता। अरे हाँ सच में ऐसा कुरूपता पहले कभी न देखा था। शिखर छूने जो दौड़ता था आज भूमि पे लेटा था। दौर में छूटे अपने जीवन में बस घाव वही था। भीड़ थी काफी वहाँ पर भीड़ में कोई भाव नहीं था। भीड़ थी वहाँ, भीड़ काफी थी वहाँ, बट भीड़ में कोई भाव नहीं था। देखें दौर में छूटे अपने जीवन में बस घाव वही था। भीड़ थी काफी वहाँ पर भीड़ में कोई भाव नहीं था। इच्छाओं की सीमा ना, इच्छा ना होती खत्म कभी। इच्छाओं के पीछे भागना वही माया है भरम वही। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं, इच्छा ना होती कभी खत्म वही। इच्छाओं के पीछे भागना है और माया है वही। माया सही बात है वो चीज। इच्छा आपकी कोई भी पूरी हो जाए तो नई इच्छा जो है आपकी जन्म ले लेती है वही चीज। तो दौड़ से पहले खुद से पूछो दिल की है क्या रजा। तुम शीर्ष पे अगर हो अकेले फिर जीने में क्या मजा। वो जल गया धू धू करके पर चेहरे पर उसके सुकून था। यही सत्य है आखिरी मंजिल अंधी दौड़ के जुनून का। खुद के प्रश्नों में उलझा मैं वो खत्म हुआ या आजाद। मैं तारों से रातों को पूछता वो अंत था या आगाज। वो खत्म हुआ या आगाज। वो खत्म हुआ या आजाद, भाई ने ऐसे बोला ना कुछ। देखो मुझे पहले वाला गाना तो बिल्कुल नहीं याद, पहले सुना होगा यही गाना, बट अब बिल्कुल साफ क्लियर आ रहा है इस चीज समझ। वो अंत था या आगाज। वो खत्म हुआ या आजाद। अच्छा वो खत्म हुआ या आजाद। अच्छा वो खत्म हुआ या आजाद। वो अंत था या आजाद। लगे ना लगे ये मेरा मन कहीं ऐसी कुछ ना यार। मैं सॉरी मैं गलत बोला हूँ। लगे ना लगे कहीं ये मन मेरा। हाँ ये जो है ना भाई, ये चीज काफी बढ़िया लग रही है। एक फादर और एक बेटे की आप चीज ले सकते हो अगर इस चीज को आप सोचोगे तो। वैसे ये सीन कुछ अलग ही है। वो बच्चा पूछ रहा था कहाँ गया वो, तो श्लोका भाई ने बताया। वो काफी बढ़िया। यहाँ भी हिंदी देखो भाई, प्योर हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है। वीडियो निर्देशक, संगीत, शॉर्ट्स और ये क्या बाल अभिनेता। बच्चा जो है वो बच्चे का नाम गौरव है भाई। मतलब भाई ने प्योर हिंदी, मतलब कसम खाई है भाई, प्योर हिंदी में ही हिप हॉप करेंगे। सो काफ़ी बढ़िया। भाई खत्म गाना मैंने सुना था पहले बट मैं भूल चुका था पूरा। बट इसकी वीडियो जो बनाई ना भाई, वीडियो काफ़ी अच्छी है। जो बच्चे को लिया, बच्चे को दिखा के और जो भाई ने पूरा सीन क्रिएट किया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। मतलब बोल सकते हैं कि इस ट्रैक के ऊपर पूरा भाई ने वीडियो शूटिंग बना दी। और भाई को ना यहाँ दिक्कत भी आई थी। देखो जब वीडियो शूट करने भाई गए थे ना, जिस पाठशाला ही बोलूँगा, जिस स्कूल में भाई गए थे, तो वहाँ के टीचर तो राजी हो गए इस वीडियो को शूट करने के लिए। लेकिन वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के लोग
उतना उस गांव के जो लोग थे उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई कि भाई ये श्लोका भाई ने जो ड्रेस पहन रखी है ना जिसपे ओम ओम बना हुआ है, तो वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई वो चीज़ कि भाई आप यहाँ पे ये चीज़ पहन के वीडियो नहीं बना सकते, वो नहीं बना सकते, वो शायद उनके धर्म के खिलाफ या कुछ भी बोल सकते हो। तो भाई को इस वीडियो शूटिंग को करते टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ हुई, मतलब बोल सकते हैं धमकी वगैरह मिली, बहुत सी चीज़ें, मतलब जान का खतरा रहा था। लेकिन उन सब चीज़ों से भाइयों ने निपट के ये वीडियो क्रिएट करी और काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो निकल के आई है। तो आप लोग जाके भाई के चैनल पे सुनो, लाइक करो, कमेंट करो इस ट्रैक को और अच्छा रिस्पॉन्स भाई दिखाओ, मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, क्योंकि श्लोका भाई हम अपने भाई समझते हैं बिल्कुल, क्योंकि देखो श्लोका भाई को मैं जब भी सुनता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे भाई या श्लोका भाई का गाना आया, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए दिल से। तो सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपसे ऐसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए।